भाजपा सत्ता में आती है, हमारे कौम के ठेकेदार हमारे वोटों का करते हैं सौदा, ओवैसी। कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, रामकोला कुशीनगर में। प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनेगा, साथ ही दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। कुछ पार्टियां हमें भाजपा की बी टीम बताते हैं। उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2017 में मेरी पार्टी ने प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा तो भाजपा भारी बहुमत से कैसे जीत गई? मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर वोट लेने वाले लोगों ने मुस्लिम कौम की बेहतरी के लिए क्या किया है? ये बात जग जाहिर है। ये बातें रविवार को टेकू आटार दुल्हिन जगन्नाथ कुवेरी इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा सपा बसपा व कांग्रेस में होने के कारण भाजपा सत्ता में आती है। हमारे कौम के ठेकेदार हमारे वोटों का सौदा करते हैं। हमने संविधान के दायरे में रहकर अल्पसंख्यकों, दलितों व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी है। विरासत में मिली राजनीति के कारण सपा के अखिलेश यादव व कांग्रेस के राहुल गांधी को राजनीति की जमीन हकीकत नहीं पता है। 12वीं पास करने के बाद इंटर में प्रवेश लेने वाले केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी ने छुट्टा जानवरों को खेतों में छोड़ दिया है। 333 विधानसभा कुशीनगर से पार्टी प्रत्याशी सफी अहमद के लिए जनसभा को प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन, महाराष्ट्र के वारिस पठान। अगर किसी पर बात करता है तो कुछ कहता है रमजान, कब्रस्तान, शमशान, ईद, मुहर्रम, इनको इनसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री से कि बताओ आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरी दी, कितने स्कूल कायम किए, कितने अस्पताल को कायम किए, तो कुछ जवाब नहीं दे पाते। इसीलिए ओवैसी और कुशवाहा दिलों को मिलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 19 लाख बच्चे भारत में कोविड की वजह से यतीम हो चुके हैं, वो अपने माँ बाप से महरूम हो चुके हैं। अगर आज 19 लाख बच्चे महरूम हो गए तो इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। बच्चों को जिनके माँ बाप से महरूम हो चुके हैं, उनके दादा दादी से, उनके रिश्तेदारों से सवाल करूँगा, उनको ये बताऊंगा भी कि अगर